देखिए ये है हालत रोड की। इस तरीके से ये क्या चल पाएगा? आज इसकी हालत ये है, कल ये रोड बना है और इसकी ये हालत है, तो क्या चल पाएगा ये रोड? देखिए किस तरीके की पोजीशन है रोड की, देखिए किस तरीके की व्यवस्था है, जहाँ कुछ भी केवल दो उंगलियों से रोड उखड़ रहा है। कोई भी, आपका स्वागत है, मैं हूँ सुनील जोगी। आज आपको दिखाते हैं जहाँ इगलास से गोरई एटी गांव जो रोड बन रहा है, और इसकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके की। जहाँ तारकोल की व्यवस्था, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि दिखाएं, जहाँ तारकोल की व्यवस्था देखिए, पूरा सूखा पड़ा है, तारकोल की कोई भी व्यवस्था नहीं है, और जहाँ इतनी पूरी भीड़ खड़ी हुई है, जहाँ कोई भी मानक के अनुसार इस रोड को नहीं बनाया जा रहा है, और जहाँ जिस तरीके से कि जहाँ रास्ता बनी हुई है, और किस तरीके से उंगली से, जिस तरीके से देखिए उंगली से इस रोड को हटाया जा रहा है, और इसमें किस तरीके का मानक है, जब इसकी हालत आज ये इस पोजीशन पर है, तो कल क्या होगा? जहाँ इस पर वाहन चलेंगे वहीं कितनी भीड़ मौजूद है। जहाँ ठेकेदार से संपर्क किया तो अपनी मनमानी का उन्होंने अंदाज में कहा कि ये रोड तो ऐसा ही बनेगा और ये मानक के अनुसार बन रहा है, जानते जनता की राय। जहाँ ग्राम पंचायत हरौता के प्रधान मौजूद हैं, पूछेंगे उनसे, सर क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? रोड ये जो इसका मटेरियल है जी, वो बिल्कुल नॉर्मल पड़ रहा है, जो कि इसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है जी, और मिनिमम ऐसा तो होना चाहिए, 2-4 साल तो चलना चाहिए जी जी। ये तो एक दो चार दिन भी नहीं चल पा रहा है सर। जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से ये रोड उखड़ा हुआ, नीचे बैठे आप, ये रोड किस तरीके से उखड़ा हुआ है, क्या कहेंगे जहाँ ठेकेदार अपनी मनमानी पर है? देखिए किस तरीके से पूरी जनता ठेकेदार साहब कहाँ, किस तरीके की पोजीशन है, क्या कहेंगे इस रोड के बारे? पोजीशन तो वेरी बैड पोजीशन है ये, और इसमें आगे आगे से ये करते जा रहे हैं अपना मेटल लगा के, पीछे से रोड खराब होता जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए तो क्या होगा इसका, जिस तरीके से यहाँ देखिए किस तरीके से रोड, जहाँ उंगली से उखड़ रहा है, और अपना चेहरा दिखाया, देखिए मुकेश सिंह सहायक अध्यापक जी है जो इस रोड को दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ उंगली से रोड उखड़ रहा है, कुछ भी मानक नहीं है, देखिए गिट्टियाँ चमक रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पास से दिखाएं, देखिए जहाँ मात्र आधा इंची की लेयर है रोड की, और इस पर कोई भी ना तारकोल है ना माल है, ये हालत है गोरई इगलास रोड की, जहाँ स्थिति बनी हुई है। देखिए जहाँ रोड बिल्कुल कोई भी मेटेरियल नहीं लगाया गया है, इस रोड में जानेंगे एक इंची माल नहीं है, देखिए जिस तरीके से कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल देखिए पूरा देखिए पत्थर निकला हुआ है, पूरा व्हाइट निकला हुआ है, जनता की राय जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में सर? ये रोड साहब भाई साहब बिल्कुल गलत बन रहा है, और ये ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं जी, और इससे हमारी जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है जी, इसलिए क्योंकि कोई बात न बढ़े, इससे हमारे ठेकेदार से निवेदन है कि वो इस काम को सही तरह ढंग से कराएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेंद्र सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव चटवार का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस रोड? अरे भैया हम तो जो कह रहे हैं, हम पे टैक्स मोटरसाइकिल को पहले लो, और हमारी रोड है कौदी नो बनाए नहीं रहे, और देखियो सब और रोड उखड़ रो है। क्या कहना चाहेंगे? यो कह रहे भैया दोबारा बनाओ जाए, सही करवाओ। नाम क्या आपका? यो नाम बनवाइए चवनरा गांव मेरो। क्या कहना चाहेंगे रोड के बारे में? देखिए इसमें मैंने सुनील भाई साहब, यहाँ सुनील शर्मा जी हैं, उनसे मैंने पूछा, नाम तक नहीं बता रहे, ना कोई अपना नंबर दे रहे, बोल रहे कि जिस किसी को जाना है वहाँ विकास भवन चले जाइए, और जहाँ जाना है वहाँ शिकायत करिए, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, ये कह रहे थे। वहाँ देखो, वहाँ हरौते के पास मतलब सड़क पर घूरे पड़े हुए हैं, केवल बेजार निकल के जा रहा है या आदमी निकल के जा रहा है उनके पैरों से ही रोड उखड़ उखड़ के, और एक दिन में ही साफ हो जा रहा है, ये स्थिति है इस रोड की। सुनील शर्मा जी से आपकी बात हुई तो उन्होंने अपना नंबर देने के लिए नंबर देने से मना कर दिया, और ऐसे धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे कि जहाँ जाना वहाँ जाओ, विकास भवन चले जाओ, सीएम साहब के पास चले जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। जानेंगे, यहाँ मौजूद है सुनील शर्मा जी, क्या कहेंगे? जनता आपके बीच में मौजूद है, इस तरीके रोड की हालत है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, रोड की जो मानक के अनुसार है आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। मानक तो दिखा ना, मानक इसका 25 mm है जी। सर अभी आपने क्या? नहीं, एक मिनट पहले मुझे बोलने नहीं दीजिए, आपको आपकी बात करूँ जी जी। आपको जहाँ भी मेरी थिकनेस कम लग रही हो, मैंने वहाँ से छैचों से लेके यहाँ तक करीब 2 किलोमीटर रोड बना दिया, जहाँ आप कहें वहाँ जाके मैं चेक करा सकता हूँ। रही बात इनकी, जो ये कह रहे हैं क्या धमकी भरे अंदाज में, इनके गांव में रह के मैं इनको ही धमकी दे दूंगा बाहर का आदमी, पहली बात तो ये सुना है। इनके गांव में हूँ और इन्हीं के घर पे हूँ,
और इनको ही मैं धमकी दे रहा हूँ। जिस तरीके से जनता नहीं चाह रही, जनता नहीं को इस तरीके से क्या होगा इस रोड नहीं, जनता नहीं चाह रही, जनता की संतुष्टि नहीं नहीं चाह रही, वो एक बात अलग है। जनता कभी नहीं चाहती। 25 MM माल है, आप पूरे रोड पर कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बनाऊंगा सर। जिस तरीके से मैंने इस रोड पर आज देखा तो जगह जगह इसमें जो नीचे की डामर के बाद जो कंक्रीट थी वो दिखाई दे रही थी जी। तो मैंने यहाँ जो जिनके अधिकार में ये काम चल रहा है सुनील शर्मा जी हैं जी। मैंने उनसे आके बात की, भाई साहब ये रोड की गुणवत्ता कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही, इसकी थिकनेस कितनी है जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा इसकी थिकनेस 20 MM के करीब है, 20 MM है। तो मुझे तो 20 MM भी नहीं लग रही है जी। तो यहाँ आके काम जनता ने बंद करवा दिया। इन्होंने फिर अपने ही फोन से यही हिसाब से मेरी बात करवाई। तो मैंने यही हिसाब से पूछा, यही हिसाब इसकी थिकनेस कितनी है? तो उन्होंने कहा इसकी थिकनेस 25 MM है। फिर मैंने कहा उनसे, भाई साहब अभी आप तो 20 MM बता रहे थे और यही हिसाब 25 MM बता रहे हैं। बोले मुझे तो पता ही नहीं थी। जब आप काम रोड का काम करवा रहे हैं, आपको थिकनेस के बारे में पता नहीं है तो आप कैसे क्वालिटी करवा पाएंगे? तो यही साहब ने कहा इस काम को रुकवा दीजिए, अगर 25 MM से कहीं भी थिकनेस कम है तो काम को रुकवा दीजिए। यही साहब आएंगे उसकी गुणवत्ता और खुदाई करके उसकी थिकनेस नाप के तब काम शुरू होगा। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं सुनील शर्मा जी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही साहब बता रहे 25 और सुनील शर्मा ने पहले बताया 20, इसका मतलब यही हिसाब से बात हुई और उन्होंने कहा कि काम को रुकवा दिया जाए। ये आपके सामने है रूबरू। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? नकला चमन। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? रोड में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, मटेरियल जो है वो ठीक नहीं लगाया जा रहा है जी। और जो ठेकेदार के जहाँ नुमाइंदे यहाँ छोड़ जो रखे हैं उन्होंने, जब उनसे बात की तो उनको तो अपना जियो ही नहीं मालूम कि हमें यहाँ लगाना क्या है, कितनी थिकनेस रखनी है, क्या माल लगाना है जी जी। तो वो क्या सड़क तैयार करा पाएंगे, क्या गुणवत्ता दे पाएंगे हमें? पीछे से जैसे ही जैसे सड़क बनती आ रही है, जो कल सड़क का निर्माण हुआ है, अगर आप उस पर जाएंगे अपने कैमरामैन को लेके, तो वो जगह जगह उखड़ चुका है, गिट्टियां बाहर आ चुकी हैं। तो हमने उनसे सब लोगों ने निवेदन के साथ में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, निवेदन के साथ में उनसे कहा है कि आप अपना काम रोक दें, यहाँ या तो कोई उच्च अधिकारी बुलाएं या अपने मुख्य ठेकेदार को बुलाएं, जिसे यहाँ उसके जियो के मामले में जानकारी हो कि हम यहाँ कितना मटेरियल, कितनी थिकनेस रखनी है, कितना तारकुल लगाना है, वो सारी चीज़ें जिसको जानकारी हो वो यहाँ बुलाएं और जब काम शुरू कराएं। क्या नाम है आपका? किशन सिंह भूरंगा। जिस तरीके से किशन सिंह चौधरी, किशन सिंह जी ने बताया कि पीछे से रोड उखड़ता हुआ आ रहा है, वहीं सवाल को सुनील शर्मा जी से किया गया तो सुनील शर्मा जी ने कहा कि जहां जहां रोड उखड़ गया है वहां दोबारा से पेच वर्क करा दिया जाएगा। इसका मतलब अभी कल ही रोड बना है और रोड उखड़ने लगा। जब रोड उखड़ने लगा वो एक दिन नहीं चल सकता, तो भारी वाहन चलेंगे तो उस रोड का क्या हाल होगा, दिखाएंगे आपको कि सड़क गड्ढे में या गड्ढों में सड़क, अभी दिखाएंगे नजारा आपको कुछ पलों में। देखो खत्म जी, देख सकते हैं जहां मशीन खड़ी हुई है तारकोल की, जहां नीचे फैल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें लग रहा है कि पानी जैसी शिकायत है। अब ये तो निरीक्षण होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो धार लग रही है, बह रहा है तारकोल, इसकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं, इसकी गुणवत्ता देखिए किस तरीके से है। ये आप देख सकते हैं ये कंडीशन है यहाँ के तारकोल की, लग रहा है कि इसमें पुराना ऑयल मिक्स हो सकता है। जिस तरीके से आप गोरई इगलास रोड पर, टेंटी गांव वाले रोड पर, जिस तरीके से हरौता के समीप ग्राम पंचायत, हरौता के गांव, हरौता के समीप रोड की हालत, जहां रोड उखड़ा था वहीं पेच वर्क किया है और पेस वर्क करके इस कार्य को पूरा करके ही हटे थे कि दूसरी जगह पर आप देख सकते हैं, आपको लेख के चलते हैं मौके पर कि दूसरी जगह पर देखिए किस तरीके से रोड उखड़ चुका है, अपने अस्तित्व को खत्म कर चुका है रोड। जहां देख सकते हैं आप, ये है बीचों बीच रोड की हालत, देखिए किस तरीके से जहां मिट्टी चमक रही है, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां माल कितना होगा। लगता है कि आधा इंची के करीब माल नहीं होगा और जानते हैं जनता की राय क्या कहेगी। जनता क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? सर हम ये तो कहना चाहेंगे कि रोड बनता जा रहा है, उखड़ता जा रहा है, ये रोड क्या चलेगा? नहीं चलेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा रोड जो हमारे टैक्स से बन रहा है, हमारे पैसे से बन रहा है, जनता के पैसे से बन रहा है, कम से कम कुछ दिन तो चले,
लेकिन इस तरह से रोड बनता जाएगा, पीछे से उखड़ता जाएगा, तो क्या चलेगा, ये कोई काम नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से यहाँ जो भी वर्क कर रहे हैं उन कर्मचारियों से आपने मुलाकात की, तो क्या कहना है उनका? सबसे बात करी, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। बस ये कहते हैं कि ऊपर जाके शिकायत करो, जो भी करना चाहो करा लो, और हम तो ऐसे ही बनाएंगे। भैया रोड सही नहीं बन रहा है, बिल्कुल बेकार है, आगे आगे बना रहे, पीछे पीछे खड़ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रभास कुमार भूरंगा। जानते राहगीरों से क्या कहना चाहेंगे सर रोड के बारे में? रोड के बारे में अच्छा रोड ना बन रहा साहब, थोड़ा सा मसाला लगा के बस चिपका रहे हैं, कल फिर उखड़ जाओ। और भी क्या कहना चाहेंगे रोड के बारे में? मैं तो कहूँगा कि इस रोड के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। नाम गजेंद्र जी, आगे रहने वाला बदिया से हूँ। ये कहना है जनता का, जहाँ देखिए एक ब्रदर देख रहे हैं रोड को किस तरीके से, जहाँ उंगली से ही रोड उखड़ रहा है, देखिए जहाँ उंगली से रोड अलग हो रहा है किस तरीके से देख सकते हैं आप, दिखा रहे हैं, और करीब देखिए 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 ये है हालत रोड की। इस तरीके से ये क्या चल पाएगा? आज इसकी हालत ये है, कल ये रोड बना है और इसकी ये हालत है, तो क्या चल पाएगा ये रोड? देखिए किस तरीके की पोजीशन है रोड की, देखिए किस तरीके की व्यवस्था है, जहाँ कुछ भी केवल दो उंगलियों से रोड उखड़ रहा है, और इसकी लेयर आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई देख सकते हैं आप। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं इसकी मोटाई मात्र, देखिए ये टुकड़े हैं इसके निकले हुए, ये टुकड़ा है इसका बड़ा पीस दिखाते हैं आपको, ये पीस है, और ये भी देखिए किस तरीके से इसकी हालत खस्ता है, इसमें कोई भी मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा है, तार कोल की व्यवस्था कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है इसमें। ये है टेटी गाँव वाया गोरई इगलास रोड का हाल, जहाँ जनता आपके सामने मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे ब्रदर इस रोड के? सर बिल्कुल बेकार बना रहे हैं, छः महीने से तो जनता वैसे ही परेशान थी, छः महीने बनने के बाद भी ऐसा रोड बना रहे हैं, उखड़े उखड़े के गया रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से चल रहे हैं इस रोड? सर ये रोड तो बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, इसमें तो पैर से ही उखड़ रहा है। जी हाँ, कहाँ के रहने वाले? बेसमा से। बेसमा से, क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह, पोजिशन क्या कंडीशन है इस रोड की? दो उंगलियों से मात्र ये रोड उखड़ रहा है, और देखिए इसका रेता आपको देख सकते हैं, नीचे वाला रेता आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस रोड के क्या मानक हैं, क्या कहना चाहेंगे? जहां योगी जी की सरकार, विकास के दावे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यहां टूट रहा है योगी जी का विश्वास। ये है टेटी गांव वाया गोरई इगलास रोड का हाल, जहां पिछले छह महीने से उखड़ा पड़ा था रोड, और जनता लगाए हुई थी आस कि रोड बनेगा और उस पर फर्राटे से वाहन दौड़ेंगे, वहीं इस रोड की पोजीशन ये है कि ये रोड उखड़ रहा है, आगे बन रहा है और पीछे से उखड़ रहा है। दिखाते रहेंगे, बने रहिए।